So today we are going to study the topic inertia, which we have already studied in the previous classes in the chapter force. Okay, तो आज हम लोग इनर्शिया जो टॉपिक है उसके बारे में पढ़ेंगे और इनर्शिया क्या होता है और ये किस तरह से हर एक ऑब्जेक्ट में अफेक्ट करता है उसके मोशन या पोजीशन को, इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे. एंड आज इसके बारे में डेमो क्लास हमारे बीच में एक स्टूडेंट है आयुषी, वो लेंगी और इसके कुछ डेली लाइफ एग्जांपल्स भी समझाएंगी. सो ओवर टू यू आयुषी, स्टार्ट. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. तो आज जो हमारा टॉपिक है वो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, जिसे हम इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग, द ऑब्जेक्ट इज When the object is dead, it remains in chest until and unless an outer force is not applied. मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक उस पर कोई भी फोर्स ना लगाए. When an object in motion, it remains in motion until and unless an outer force is not applied. वैसे ही अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक उस पर कोई भी इंटर फोर्स अप्लाई ना हो या फ्रिक्शनल फोर्स ना लगे. फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं. इनर्शिया क्या होता है? टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू अपोज एंड रेजिस्ट एनी चेंज ऑन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन. मतलब कि जो ऑब्जेक्ट जितना है वो वैसा ही रहेगा. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, कोई मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये पैर है, इसको हम अगर अपने हाथ में रखेंगे तो जब तक हम इस पैर को हिलाएंगे नहीं, ये 100 साल 200 साल तक यही बना रहेगा, ये हिलेगा नहीं यहाँ से. अब हम इनर्शिया के टाइप्स के बारे में, इनर्शिया के टू टाइप्स होते हैं, इनर्शिया और रेस्ट. इसे एग्जाम्पल से समझेंगे. हम किसी बस में घिरे हुए हैं, हम बस में घिरे हैं, हम भी रेस्ट में है, बस एकदम से चल पड़ती है तो हम पीछे की तरफ हो जाते हैं. तो ये बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, क्योंकि बस मोशन में आई, हम तो रेस्ट नहीं थे ना, सीधे आगे की तरफ हो गए. हम इनर्शिया का एक और एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे कि घर में जो कारपेट होता है उसकी डस्ट निकालने के लिए, तो वो जो डस्ट निकलती है इसका मतलब ये नहीं होता है कि डस्ट मोशन में आ जा रही है, डस्ट रेस्ट में ही रहती है. जब हम उस कारपेट को झाड़ते हैं तो डस्ट नीचे गिर जाती है, कारपेट मोशन में आ जाता है. तो ये थे इनर्शिया ऑफ रेस्ट के एग्जाम्पल. अब इनर्शिया का सेकेंड पार्ट टाइप क्या होता है? इनर्शिया ऑफ मोशन. इसे भी हम बस के एग्जाम्पल से ही समझेंगे. अगर जैसे हम बस में खड़े हैं, बस मोशन में चल रही है, हम भी हैं, बस चल रही है, उस टाइम पर बस एकदम से रुक जाती है तो हम आगे की तरफ हो जाते हैं. फिर बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि हम बस के संग चल रहे थे, हम मोशन में थे, बस भी मोशन में थी, लेकिन बस रेस्ट में आई, हम तो उस टाइम मोशन नहीं थे ना, इस वजह से हम आगे की तरफ चल जाते हैं. तो हम लोगों ने बड़े इनर्शिया के टू टाइप्स होते हैं उन्हें एग्जाम्पल दिए. अच्छा, अब इनर्शिया और मास के बीच में क्या कनेक्शन होता है? कैमरा, हाँ. हम पढ़ेंगे. अगर जैसे हमने एक हाथ में वजन दिया है, इनर्शिया के बारे में तो मैंने आपको बताया है कि वो रेजिस्ट करता है चेंज को, जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा. मास भी समझ सकते हैं वेट. अगर मैंने अपने एक हाथ में 100 किलो का वेट दे लिया है और दूसरे में 20 ही लिया है, तो हमें सबसे ज्यादा फोर्स तो 100 किलोग्राम को खींचने में ही लगाना पड़ेगा ना, और उसमें मास भी ज्यादा होता है और इसी वजह से उसमें इनर्शिया भी ज्यादा होगा, क्योंकि इनर्शिया रजिस्ट करता है चेंज को, जो जैसा है वो वैसा ही रहना चाहिए. चाहे कोई भी एटम हो, तो इसी प्रकार से उन्होंने बाकी सारे सेल्स के बारे में भी इस फॉर्मूले से जस्टिफाई किया न्यूमेरिकली. अगर दूसरे के लिए देखते हैं, एल सेल के लिए,
एल सेल का नंबर क्या है? एल सेल का नंबर हमारा है 2, ठीक ना? तो 2 है, तो फार्मूले में रखेंगे 2 इंटू एन स्क्वायर, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर 2 इंटू 4 यानी 8 इलेक्ट्रॉन। एल सेल का मैक्सिमम गुड मॉर्निंग टू ऑल, माय नेम इज स्वास्तिका कुशवाहा एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 7B। टुडे आई एम गोइंग टू डू ए साइंस एक्सपेरिमेंट विद सम हॉट वाटर, सम कोल्ड वाटर एंड अ प्लास्टिक वाटर फिल्ड विद एयर एंड आई प्लेस अ ब्लू बलून अबव इट। सो लेट्स स्टार्ट अवर एक्सपेरिमेंट। फर्स्टली आई पुट दिस बॉटल इन हॉट वाटर एंड यू कैन ऑब्जर्व द चेंज। द बलून इज फिल्ड विद एयर एंड व्हेन आई पुट दिस बॉटल इन cold water, you can see the balloon is squeezed. I will do this one more time for you. Make sure that you are on distance from the water because it's gonna explode. Now I'm going to stroke the balloon. The baking soda and the vinegar is mixing together and forming a blast of baking carbon dioxide. That's why the balloon is popping. और अब आपको इसके ऊपर लगा देना एंड इसको टाइटली पुश करना, दबाना है, ठीक है? और थोड़ा सा और था। ओके, तो ये हो गया है। अभी आप सो एज यू कैन सी, आप फिर देख सकते हैं आप पानी जो है, मतलब ये दिस कप इज बर्निंग नाउ। So now we see cup filled with water on the candle. You see that this cup is that does not. Sneha Singh of class 9B from KB Tawa is going to explain the chapter fundamental unit of our life. So which is cell? So first question arises in our mind, what is cell? I'm going to tell you what is cell. So the smallest fundamental and structural unit of our life is known as cell. So today we will talk about animal cell. 3 features in almost every cell has. First one is plasma membrane, then nucleus, and then cytoplasm. First one we'll talk about plasma membrane or cell membrane. This is outermost covering of the cell, separate the content of the cell from the external environment. Cell membrane prevent the movement of some other. That's it from Kendi Vidyalaya Tawa. Take a 2 plates and 2 candles. Fix the candle in the center of the plates. Now light candle with the help of a matchstick or lighter. After this, put a glass over second burning candle. We are watching that candle under the glass stop burning after a few seconds, while in case first candle it is remaining burning. Hi, I'm Aishwarya, studying class 7. Today we will perform the activity of a chapter number 5, that is acid, bases and salts. In this activity we will learn how to make a natural indicator turmeric and how this a natural indicator turmeric acts with acidic solution and basic solution. ये activity करने के लिए हमें थोड़ी सी
थोड़ी सी टर्मरिक और सॉप सॉल्यूशन और लाइम जूस। एज यू ऑल नो दैट सोप सॉल्यूशन कंटेन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड लेमन जूस कंटेन्स सिट्रिक एसिड। तो हम लोग पहले सोप सॉल्यूशन टर्मरिक में डालेंगे और लाइम जूस टर्मरिक में डालेंगे। So the conclusion of this activity is that turmeric as a natural indicator, it turns bright red in basic solution and it remains yellow in color acidic solution. Thank you.